हल्द्वानी में बिठूरिया की जीन कॉलोनी में मोबाइल सिग्नल टावर लगाने के विरोध में क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने सिटी मजिस्ट्रेट, मुखानी थाना पुलिस और वार्ड 46 के पार्षद को ज्ञापन सौंपकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि जीन कॉलोनी पूरी तरह आवासीय है, यहां टावर लगाने के लिए क्षेत्रवासियों से मशविरा नहीं किया जा गया। जानकारी के अनुसार जिन भवन में टावर लगाया जा रहा है उस भवन का स्वामी भी नहीं रहता है। टावर लगाने से लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव होगा। उन्होंने पार्षद से टावर लगाने का विरोध किया है। गुस्साए लोगों ने कॉलोनी में प्रदर्शन भी किया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये चोरी छिपे ये टावर लग रहा है, हम लोगों की किसी से कोई राय या मशवरा नहीं लिया गया है, इसलिए हम लोग इस टावर को लगाने के बिल्कुल विपरीत है भाई। इसलिए रातों रात में हो रहा है ये काम, और किसी के राय से तो हो रहा है नहीं। पहले भी यही काम हो रहा था, मकान भी बिना किसी के अनुपस्थिति में बनाया गया। अभी भैया यहाँ पे जो टावर लग रहा है कोई भी बिना परमिशन के ऐसी चोरी छिपे सुबह शाम रात को लग रहा है, जिसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। जब पहली बार हमने देखा तो सब लोगों ने इकट्ठा होकर उसका विरोध किया। सबसे पहले ये जो भी पोल लग रहा है इसकी कोई अनुमति नहीं लेगी। नंबर दो जगह ये जो है यहाँ पर जो मकान बनाया है वो भी उचित उसके बिना नक्शे के बना हुआ है। गैर विशाली में हमारे वार्ड क्षेत्र के PD कॉलोनी के ठीक सामने एक भवन पर एक टावर लगाया जा रहा है। इस टावर के संबंध में स्थानीय लोगों का कहना यह है कि ये टावर नियम विरुद्ध है, इससे यहाँ पर रेडिएशन का खतरा है, आसपास बुजुर्ग लोग रहते हैं, छोटे बच्चे हैं। क्षेत्रवासी शंकित हैं कि ये टावर लगाने से यहाँ पर रेडिएशन बढ़ेगा, उन्हें कोई परेशानी होगी। क्षेत्रवासियों के द्वारा इसकी शिकायत जो हमारे सामने वाले वार्ड से पार्षद हैं उनसे भी की गई है, और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से भी इसकी शिकायत की गई है। लेकिन उसके बाद भी लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर प्रशासन ने इस काम को नहीं रुकवाया है,